हाय गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूं कि आप अपनी अमेज़ॉन की जो लिस्टिंग है, आपकी इन्वेंट्री है, उसको फ्रंट पेज पे कैसे शोकेस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई कस्टमर कुछ सर्च कर रहा है, कोई प्रोडक्ट फाइंड कर रहा है, तो लाखों बथेरी प्रोडक्ट्स उसके सामने आ जाती हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो एकदम सामने सामने फ्रंट पेज पे एकदम टॉप पे आती हैं, जिसके ऊपर लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। तो ये वो एड्स हैं जिन पे पीपीसी कैंपेन रन हुआ है। पीपीसी मतलब पे पर क्लिक। पे पर क्लिक का मतलब है कि जब कोई कस्टमर को कोई चीज़ पसंद आती है तो उस प्रोडक्ट पे वो क्लिक करता है, और जैसे ही वो क्लिक करता है उसके बाद आप अमेज़ॉन को एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करते हैं पे पर क्लिक। तो एडवांस में आपको कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जब वो कस्टमर कुछ क्लिक करेगा तभी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये प्रोसीजर है एडवर्टाइजमेंट रन करने का, इसे बोलते हैं कैंपेन, इसे कहते हैं पीपीसी कैंपेन। तो लेट्स सी, मैं आज के वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी बिडिंग लगा के, आप नेगेटिव कीवर्ड्स को रिमूव करके अपने प्रोडक्ट्स को ऊपर ला सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं, टॉप पे ला सकते हैं और अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। आइए मेरे साथ। हाँ जी गाइस, तो इससे पहले कि हम लोग अपने मेन वीडियो की तरफ चले, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा जल्दी से इंट्रोडक्शन देती हूँ कि भाई ये पीपीसी कैंपेन क्या होता है, ये क्या चीज़ है, क्या मसला है जो हमें ये एडवर्टाइजिंग का। ठीक है, तो चले यहाँ पे सपोज कुछ भी हम लोग लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये है स्कैल्प मसाजर, ये देखिए स्कैल्प ब्रश हमने लिख दिया। अब देखिए, जब मैं ये स्कैल्प ब्रश लिखती हूँ तो मुझे सबसे पहले अमेज़ॉन ये चार प्रोडक्ट दिखाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, इसका मतलब है इन चारों पे पीपीसी कैंपेन रन की गई है। ये पीपीसी कैंपेन रन की गई है क्योंकि जो इनके स्टोर ओनर्स हैं ये चाहते हैं कि इनका बिजनेस हो, दूसरों से ज़्यादा हो, इनका सामान बिके दूसरों से ज़्यादा, अमेज़ॉन इनके सामानों को सबसे ऊपर दिखाए, दूसरों के सामानों से ज़्यादा दिखाए। इसके लिए ये लोग अमेज़ॉन को कुछ पैसा दे रहे हैं जो कि है पे पर क्लिक, एडवांस में नहीं दे रहे हैं। ओनली अगर इस पे कस्टमर क्लिक करेगा तो ही भाई इस बंदे को, अमेज़ॉन को पैसे भरने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं क्लिक करती हूँ तो एक दरम तो कम से कम इसको देना ही पड़ेगा, तो मैं क्लिक नहीं करूँगी क्योंकि मैं तो अमेज़ॉन करती हूँ ना यार, मैं तो एक अच्छी इंसान हूँ, मुझे पता है कि अगर मैं इसको क्लिक करूँगी तो इसका एक दरम का नुकसान हो जाएगा, तो मैं वो काम नहीं करूँगी। आप लोग भी प्लीज़ गाइज ऐसा कोई काम ना करें। किसी का स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है और आपको लगता है कि भाई आपके काम का नहीं है ना, ये आपका तो कोई काम नहीं उसमें, आप तो सिर्फ देख रहे हैं कि क्या है, तो क्लिक ना करें गाइस। क्लिक करेंगे तो सामने वाले बंदे का एक रुपया खर्चा हो जाएगा। क्यों हम किसी का एक धर्म बेवजह खर्चा करें, हम लोग इस पर कुछ कहीं भी क्लिक नहीं करेंगे। अगर हम क्लिक करेंगे तो ही इस बंदे को चार्ज भरना पड़ेगा अमेज़ॉन को। ठीक है, इसकी सेल हो, हम लोग ये दुआ करते हैं, हम अपने लिए सीखेंगे। आइए मैं आपको आगे ले चलती हूँ, फटाफट से पीपीसी कैंपेन सीखेंगे और देखेंगे कि हम अपनी सेल कैसे बढ़ा सकते हैं। आइए मेरे साथ। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए चलते हैं हम अपने अमेज़ॉन में आज के वीडियो की तरफ, जहाँ मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप लोग अपनी लिस्टिंग को फर्स्ट पेज पर ला सकते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पॉन्सर्ड एड्स, और किस तरीके से आपकी सेल्स इम्प्रूव हो सकती है। तो ये देखिए, ये थ्री डॉट्स है, यहाँ हम क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ से जाएंगे एडवर्टाइजिंग में। एडवर्टाइजिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये सारा दिखेगा ड्रॉप डाउन, इसमें आप सिलेक्ट करेंगे कैंपेन मैनेजर। जैसे ही आप कैंपेन मैनेजर पर सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये तीन ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे, जिसमें लिखा है चूज़ योर कैंपेन टाइप। या तो आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, या तो आप स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स कर सकते हैं, या तो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये सिर्फ प्राइवेट लेबल में होती हैं, और ये जो दोनों चीज़ें हैं ये जेनरिक और MPL में नहीं हो सकती। तो हमें करना है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, मतलब हम अपने प्रोडक्ट्स को ही स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो हमेशा पहले वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करें अगर आपका प्राइवेट लेबल नहीं है तो। अगर प्राइवेट लेबल है तो आप बेशक ये कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करूंगी मैं, और यहाँ पे देखिए ऐड ग्रुप नेम। तो सपोज़ ये मेरा पहला ऐड ग्रुप है, जो भी मेरा ऐड ग्रुप है उस पे मैं नाम दे दूंगी, आज की तारीख और टाइम लिखा हुआ है। चले यहाँ पर लिख देते हैं ऐड ग्रुप वन। सपोज़ मैंने ये जो है इसका नाम दे दिया ऐड ग्रुप वन, आप कुछ भी दे सकते हैं।
अब ये जो है मेरे इसमें इन्वेंट्री में तो एक ही लिस्टिंग है जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को करके दिखाई थी, राइट। तो ये मेरी FBM में पड़ी हुई है, इसलिए FBM में आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। तो ये देखिए, ये जो है मैं फिलहाल इस एक प्रोडक्ट को ही ऐड कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास और इन्वेंट्री है नहीं। अगर जो आपके पास और इन्वेंट्री है तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल पहला ऐड ग्रुप मैं शुरू करती हूँ और मैं उसमें ये ऐड कर देती हूँ अपना पहला प्रोडक्ट। ये आ गया मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे सामने इस ऐड ग्रुप में। अब मैं नीचे जाऊँगी। अब ये टारगेटिंग, टारगेटिंग का मतलब होता है कि किस कीवर्ड्स पे जो ये अमेज़ॉन है ये टारगेट करना चाहिए। ऑटोमेटिकली मतलब अमेज़ॉन खुद सिलेक्ट करेगा कीवर्ड्स और उस पर ये हमारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बेच रहे हैं ये मसाजर, स्कैल्प मसाजर, तो किसी ने भाई लिखा स्कैल्प मसाजर सर्च में, तो अमेज़ॉन खुद से जो भी कीवर्ड्स हैं उसको लगता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है वहाँ फिट बैठेगी, तो अमेज़ॉन अपनी मर्जी से ऑटोमेटिकली इस प्रोडक्ट को टारगेट करेगा। या मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ मैनुअल टारगेटिंग। मैनुअल टारगेटिंग में क्या होता है कि हम भाई अपने कीवर्ड्स हम लोग सजेस्ट करके इसको देंगे अमेज़ॉन को कि ये जो है आप इन कीवर्ड्स के ऊपर ही टारगेटिंग करें। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल गो फर्स्ट टाइम, जब आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक टारगेटिंग पे ही क्लिक करें और देखें कि भाई आपका कैसे रन हो रहा है स्पॉन्सर्ड, क्या आपको बिजनेस आ रहा है, क्या आपकी सेल इंक्रीज हो रही है, और उसके बाद उस कैंपेन का आप प्रोग्रेस देखें, ठीक है। वो भी कैसे चेक करते हैं प्रोग्रेस आगे मैं आपको सिखाऊंगी। तो अगर आपका वो टारगेटिंग काम नहीं करता उसके बाद नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम में आप मैनुअल टारगेटिंग में जा सकते हैं। मैनुअल टारगेटिंग में आपको अगले वीडियो में करना सिखा दूंगी। उसके बाद हम चलते हैं आगे ऑटोमेटिक टारगेटिंग में। देखिए सेट डिफॉल्ट बिड, अभी भाई इन लोगों ने अमेजोन ने डिफॉल्ट बिड दे रखी है 4 AED, लेकिन आप इसको कम भी कर सकते हैं। तो आप सपोज, आप बिड का मतलब होता है कि भाई ये जो स्कैल्प मसाजर है सपोज मैं बेच रही हूँ, ठीक है, मेरा एक स्टोर बेच रहा है, एक दूसरा स्टोर फलां स्टोर बेच रहा है, फलां स्टोर ने बिड लगाई है 1.50 AED, तो भाई जब भी कस्टमर सर्च करेगा ना तो अमेज़ॉन जो है पहले उसका दिखाएगा क्योंकि उसने बिडिंग ज़्यादा दे रखी है। मैंने अगर बिडिंग 1 दिरहम दे रखी है तो मेरा प्रोडक्ट बाद में दिखाएगा अमेज़ॉन। तो ये इसका मतलब होता है, बिड का मतलब होता है ये, ठीक है। तो आप या तो 1 दिरहम की बिड लगा दो सारे कीवर्ड्स के ऊपर, या तो फिर आप सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब आप सेट डिफॉल्ट बिड करते हैं मतलब आपकी कस्टमर ने भला सर्च किया स्कैल्प मसाजर और अगर उसने आपका प्रोडक्ट खोला तो भी 1 दिरहम कटेगा, अगर उसने हेयर ब्रश सिलेक्ट किया और आपका प्रोडक्ट दिखाई दिया तो भी आपका 1 दिरहम ही कटेगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप बिड्स को टारगेटिंग ग्रुप में सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट क्लोज मैच है तो लगा दो आप 1 दिरहम की बिड लगा दो। लूज मैच है मतलब भाई थोड़ा सा दूर दूर तक के लाइक यू नो मैचिंग है तो आप लगा सकते हो 50 fils की। सब्स्टिट्यूट्स मतलब अल्टरनेटिव, भाई कोई वुडन की कंगी ढूंढ रहा है उसको हमको स्कैल्प मसाजर दिखाना है, अभी वो चांसेस लेने के बहुत कम हो जाते हैं तो आपकी सेल्स आने के चांस कम होते हैं, तो यहाँ पे फिर भी आपको स्पॉन्सर करना है तो सपोज आप 20 fils की बिड लगा दो। और कॉम्प्लीमेंट्स, ये भी कुछ ऐसा ही होता है कि भाई ठीक ठाक मिलता जुलता प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी आप 20 fils की बिड लगा दो। तो देखिए ये चारों अलग अलग कैटेगरी में मैंने अलग अलग मतलब जहाँ भी कस्टमर सपोज मसाजिंग ब्रश ढूंढ रहा है तो स्कैल्प मसाजर उसके क्लोज है तो मेरा 1 दिरहम का बिड लगा, अगर लूज है तो मेरा 50 fils का बिड लगा, अगर थोड़ा मिलता जुलता प्रोडक्ट है तो भाई 20 fils के मैंने लगा दिए कि चलो ठीक है सब पे मैंने यहाँ मैंने अपने पैसे बचा लिए कि फालतू जगहों पे मेरी जो है ऐड शो नहीं करेगी, गलती से कस्टमर क्लिक करते जाएंगे तो भाई मेरे तो पैसे जाते जाएंगे ना। पे पर क्लिक का मतलब क्या होता है, पे पर क्लिक इस कैंपेन को बोला जाता है PPC। PPC का मतलब है जब भी ये ऐड स्पॉन्सर हो रही है और कस्टमर आपके एक प्रोडक्ट को क्लिक करता है तो भाई क्लोज मैच में अगर दिखाई देगी तो 1 दिरहम कटेगा, लूज मैच में अगर दिखाई देगी कस्टमर कट करता है तो 50 fils कटेंगे कस्टमर अगर क्लिक करता है। तो
सब्स्टिट्यूट में दिखाई देगी और कस्टमर क्लिक करेगा तो 20 फिल्स कटेंगे, तो ऐसे आप अपने पैसे बचा सकते हैं, ठीक है। दूसरी हो गई नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। इसका मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप, ये ऑप्शनल है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक आपको चाहिए तो आप छोड़ दो, आपको अगर करना है तो क्या मतलब है इसका। सपोज ये जो कंघी है काले रंग की है, ब्लैक कोम्ब, ठीक है, स्कैल्प, ब्लैक स्कैल्प मसाजर, अगर आपको चाहिए कि आपका जो है हेयर ब्रश कैटेगरी में आपका एड नहीं दिखाई देना चाहिए, तो आप ये कीवर्ड सिलेक्ट कर लो, हेयर ब्रश, और इसको ऐड कर लो। तो ये हो गया नेगेटिव एग्जैक्ट। अब नेगेटिव एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर जब कोई कस्टमर ने हेयर ब्रश डाला और आपको चाहिए कि भाई आपका प्रोडक्ट नहीं दिखाई दे, आपके पैसे ज़ाया ना हो, क्योंकि अगर वो क्लिक करेगा तो गए आपके पैसे, एक दरम गया। अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप ऐसे ऐसे कीवर्ड, जैसे कि अभी भाई आपका ये तो स्कैल्प मसाजर है ना, स्कैल्प मसाजर ब्रश है, तो सपोज़ वुडन ब्रश में भी आपको नहीं डालना है तो आप ये कीवर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, नेगेटिव एग्जैक्ट और नेगेटिव फ्रेज। तो नेगेटिव एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है और नेगेटिव फ्रेज का मतलब क्या होता है। नेगेटिव एग्जैक्ट का मतलब होता है जब मैंने सिलेक्ट किया वुडन ब्रश तो एग्जैक्टली इसी कीवर्ड पे ब्लॉक लगेगा, लेकिन जब मैंने सिलेक्ट किया नेगेटिव फ्रेज तो मैंने वहां लिखा वुडन ब्रश, ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब ये जो ऊपर नीचे जितने भी ये मिलते जुलते वर्ड्स इसके होंगे ना, ये सारे देखिए फ्रेज मतलब पूरे सेंटेंस में, अगर कस्टमर ने लिखा सर्च में येलो कलर ब्राइटली पॉलिश्ड वुडन ब्रश, तो भाई वुडन ब्रश तो आया उसमें, पूरे फ्रेज में आया ना, तो हमारी एड उस कस्टमर को नहीं दिखाई देगी। ये है एग्जैक्ट नेगेटिव, ये है फ्रेज नेगेटिव। हमेशा फ्रेज नेगेटिव पे ही सिलेक्ट करें ताकि अगर वो कस्टमर सर्च में गलती से ऐसा कुछ डाल रहा है तो वो निकल जाएगा, आपका स्पॉन्सर्ड एड वहाँ नहीं शो होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग ये जो ऑप्शनल है, आप करें आप ना करें डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी एड हर जगह दिखाई देगी, ठीक है, जहाँ भी वो कीवर्ड्स मैचिंग आएंगे। अब कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी, अब ये क्या होता है, इसमें ना तीन टाइप्स होते हैं, तीन चीज़ें होती हैं, डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, फिक्स्ड बिड। तो जब आप फिक्स्ड बिड पे सिलेक्ट करते हैं तो देखिए क्या लिखा है, वी विल यूज योर एग्जैक्ट बिड एंड एनी मैनुअल एडजस्टमेंट्स यू सेट वोंट चेंज योर बिड्स बेस्ड ऑन लाइकलीहुड ऑफ अ सेल। मतलब इसका मतलब ये है कि जब आप फिक्स्ड बिड करते हैं तो जो अमेज़ॉन है, जब कस्टमर क्लिक करेगा ना, ऐवे ही अगर कोई टाइम पास करने के लिए भी क्लिक कर रहा है, खोल दे कुछ भी कीवर्ड देख रहे हैं और आपके स्पॉन्सर्ड एड पे क्लिक मार दिया तो आपके एक दरम गए। लेकिन अगर आपने डायनामिक बिड्स डाउन पे क्लिक किया तो इसका मतलब ये है कि जो अमेज़ॉन है, इसका जो एल्गोरिथम है, ये पहचान लेगा कि कस्टमर भाई ये प्रोडक्ट खरीदने वाला नहीं है, इसने कीवर्ड कुछ और दे के रखा है, और आपकी पुरानी सेल्स जो हुई है, ठीक है, पुरानी सेल्स इस कीवर्ड के ऊपर नहीं हुई है। पिछली बार जब कस्टमर ने हेयर ब्रश सिलेक्ट किया था और आपके पैसे कट गए थे लेकिन उसने लिया नहीं था और आपकी सेल्स नहीं होती उस कीवर्ड पे, तो क्या करता है अमेज़ॉन, आपकी बिड को नीचे कर देता है, आपके पैसे बचा देता है। और अप एंड डाउन का मतलब क्या होता है, अगर कोई ऐसा कीवर्ड है जिससे पहले आपको पास्ट में सेल्स आई हुई है, ठीक है, तो अगर एल्गोरिथम को लगता है कि भाई अगर मैं बिड को थोड़ा बढ़ा दूंगा, आपने तो एक द्रम लगाया था ना, अगर थोड़ा बढ़ा देगा उसको, दो द्रम कर देगा, तो भाई आपकी सेल आने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये अप एंड डाउन का आप पूरा फुल हैंड जो है अमेज़ॉन को आप दे देते हो, बट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि पूरा हाथ इसको मत दो, आप खाली थोड़ा सा हक दो। तो ज़्यादा हम लोग उंगली पकड़ा देंगे तो हाथ खींच लेते हैं लोग, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। अगर हम अप एंड डाउन की दे देंगे, चलो अमेज़ॉन तो हमारा भला करने निकला, लेकिन दुनिया में भी लोग ऐसे हैं ना कि आपको नीचा दिखाने में कसर नहीं छोड़ते। तो जो है ये पूरा छूट हम नहीं देंगे, हम थोड़ी सी छूट देंगे, हम करेंगे डायनेमिक बिड्स को डाउन ओनली। इसका मतलब है कि भाई जहाँ पे सेल होने के चांसेस नहीं है, भाई तुम हमारे पैसे बचा दो
और जो है हमारी बिड को डाउन कर दो ताकि हमारे स्पॉन्सरशिप का खर्चा कम हो जाए। ये हो गई आपकी कैंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे की सेटिंग्स। विद कैंपेन का नाम लिख दो, मैं लिख देती हूँ भाई स्कैल्प मसाजर, क्योंकि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मैंने इसमें डाला है। अभी जो है स्टार्ट की डेट आपको कब की लगानी है, कल अब कल से आज से लगा दो, नो एंड डेट डालोगे तो भी चलेगा क्योंकि कभी भी आप ये कैंपेन बंद कर सकते हैं। आज अगर आपने जो ये कैंपेन शुरू की है कल आपको बंद करना है, आपका मन नहीं कर रहा भाई, आपकी सेल नहीं आ रही, फालतू में लोग क्लिक करें, 5 दिरहम खर्चा हो गया, 10 दिरहम खर्चा हो गया, आप कल उठा के उसको एडिट करके बंद कर दो, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, फिलहाल हम लगा देते हैं 25 तारीख का। देखो अगस्त बता रहा है, ये भी बड़ा शाड़ा है, हम लोग फरवरी में जाएंगे और जी हम लगाएंगे 29 फरवरी का लगा देंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ उस कैंपेन को हम लोग बंद कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप ये देख लें कि हम इसको लॉन्च, अभी तक तो भाई हमने लॉन्च नहीं करी है, अभी तो हमने लॉन्च करना है, उसके बाद हम बंद करेंगे ना। तो ये देखो लॉन्च हो गई 22 फरवरी से 29 फरवरी तक हमने लॉन्च कर ली। अब ये आ गई जी आखिरी में सबसे बढ़िया बात, डेली बजट। भाई डेली की हमारी कितनी इसमें औकात है, हम लोग इस पर स्पॉन्सरशिप्स लगा सकते हैं। जो भी अभी आपका नया नया प्रोडक्ट है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी बस चार दरम लगाओ, बस मिनिमम जो है 4 दरम से बजट चालू होता है। मिनिमम डेली का 4 दरम रखो स्टार्टिंग में, अगर आपका नया स्टोर है तो। बाद में आप इसको 10 दरम कर दो, कुछ भी कर दो, 100 दरम कर दो, 200 दरम कर दो। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ, यहाँ जो आपको ये कुछ लोग बड़ी बड़ी सेलें दिखाते हैं ना, बड़ा बड़ा सब दिखाते हैं भाई, बड़े बड़े नंबर्स दिखाते हैं, तो भाई यहाँ पे बजट वो लोग इतना रखते हैं, ठीक है, 1000 दरम रोज का खर्चा करते हैं तब जाके उनको वो सेल आती है। तो ये नहीं दिखाते कि वो यहाँ पे पैसे भरते हैं, ये सब उनका माइनस हो जाएगा। वो जो हज़ारों में आपको दिखाते हैं ना कि भाई हमारी इतने ऑर्डर्स आए और इतने सेल हुई है, तो वो सब उनके अकाउंट में आने के पहले ना ये सारा पैसा रोज़ का 1000 दरम रोज़ का जो बड़ा अमाउंट वो लोग लगाते हैं वो अमेज़ॉन पूरा निकाल के लेगा। उसके बाद उनके अकाउंट में जो बचे हुए पैसे आएंगे ना वो कोई नहीं दिखाता, ठीक है। तो जो है ये अमेज़ॉन का बिजनेस है ना, अभी मैं इसमें बहुत ज़्यादा शातिर भी होने लगी हूँ धीरे धीरे तो आप लोगों को भी मेरे पढ़ाने से भी समझ में आ रहा होगा कि भाई मैडम को तो अभी बहुत कुछ पता चल गया है। तो हाँ जी, जब आप एक बिजनेस में होते हो और लोग आपके साथ चलाकियाँ करते हैं और जब आपको आगे आने वाले कॉम्पिटिटर्स के साथ झेलना पड़ता है ना, तो आप जो है ना धक्के खा के सीख जाते हो और लेसन्स के साथ सीख जाते हो। जो बादाम होते हैं ना वो आपको इतना अक्ल नहीं देता जितना आपको आपके एक्सपीरियंसेस और ठोकरें आपको सिखाती है। तो बादाम मत खाओ, ठोकरें खाओ, ठीक है। तो ये जो है डेली बजट भाई आप लगाएंगे 4 दरम का स्टार्टिंग में, ताकि हमारा नया प्रोडक्ट है अभी अभी शुरू किया है तो स्पॉन्सरशिप में ज़्यादा खर्चा ना हो। अब यहाँ पे लॉन्च कैंपेन पे हम क्लिक कर देंगे। ओके, लॉन्च कैंपेन कर दिया, हमारा फर्स्ट कैंपेन सक्सेसफुली हो गया लॉन्च। टनान, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर कैंपेन हैज लॉन्च सक्सेसफुली। अब देखिए गाइस, यहाँ पे दिखा रहा है कैंपेन सेटिंग स्केड्यूल्ड फरवरी 22 टू फरवरी 29, मैंने इसको किया था, ठीक है। अब हम इसको करेंगे भाई, अब मैं क्या करूँ इसको, मैं जाती हूँ आपको अलग से खोल के दिखाती हूँ कि अगर मुझे इसको बंद करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ। यहाँ से नहीं दिखाऊंगी मैं आपको, अमेजोन के सेलर अकाउंट पेज से दिखाऊंगी। ओके गाइज, तो हमने बना ली थी हमारी कैंपेन, अब हम जाके चेक करते हैं कि वो है कहाँ। तो ये 3 डॉट्स पर वापस क्लिक करेंगे, ये देखिए एडवर्टाइजिंग में जाएंगे और कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करेंगे। जब आप कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ आपकी जो है कैंपेन आपको दिखाई दे रही है। स्कैल्प मैसेजर डिलीवरिंग, मतलब ये स्टार्ट हो गई है, अभी लोगों को ये स्पॉन्सर्ड एड्स में दिखाई देगी। अब इससे पहले कि मुझे इस पे पैसे लगने शुरू हो जाए, मैं इसको कर देती हूँ जल्दी से बंद। तो ये देखिए एंड डेट पे करूँगी मैं क्लिक, और इससे मैं करूँगी आज की डेट में ही बंद कर दूँगी। अरे यार ये अगस्त है, मैं बार बार हर बार जब भी मैं स्पॉन्सरशिप्स बनाती हूँ ना, एवरी टाइम मैं ये गलती करती हूँ, मंथ चेंज नहीं करती हूँ, फिर मेरे पैसे जो है वो लगते जाते हैं। तो ये फरवरी का हो गया, ये 22 सेव, ये एंड डेट भी है जो ये मैंने क्लोज कर दी, ये हो गई देखिए, ठीक है। तो ये कैंपेन हो गया मेरा क्लोज, और यहाँ से भी मैं इसको बंद कर देती हूँ, यहाँ से भी मैंने इसे क्लोज कर दिया। तो हमारी जो ये कैंपेन है आज ही शुरू हुई और आज ही ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से आप अपनी कैंपेन को, ये मैंने देखिए पॉज दिखा रहा है, हाँ जी गाइस, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने इस
कैंपेन को क्रिएट किया और फिर मैंने तो इसे बंद भी कर दिया, क्योंकि ये जो है ये एक डमी अकाउंट है, सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए है। पता चला कि मैं यहाँ पे पैसे भर रही हूँ, मिल तो रहा है नहीं कुछ, और उल्टा मैं यहाँ पे पैसे डालते जा रही हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए। और आप लोग हैं कि वीडियो को एक लाइक तक नहीं करते, लाइक करें, शेयर करें गाइज अपने फ्रेंड्स के साथ, और ताकि हमारे यूट्यूब की एल्गोरिथम इंक्रीज़ हो और मेरा जल्दी से जल्दी चैनल जो है ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाए और मुझे यूट्यूब बहुत सारे पैसे भेजे। ये तो मैं उम्मीद तो कर ही सकती हूँ ना गाइज। तो चलिए, इससे पहले कि मैं ये लेसन क्लोज करूँ, मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि देखिए क्या होता है, जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट होती है वो किस तरीके से दिखाई देती है, आइए देखते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं लिखती हूँ यहाँ पर स्कैल्प मसाजर, तो आप लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है, देखिए ये आ गया, हमारे पास ये आ गया, ये जो है चार प्रोडक्ट सबसे ऊपर ऊपर दिखाई दे रही है। और ये देखिए गाइस, इनने जो है ये स्पॉन्सर्ड या स्पॉन्सर्ड वर्ड लिखा हुआ है, तो इन लोगों ने कैंपेन चलाई हुई है, जिस कैंपेन को बोला जाता है PPC, पे पर क्लिक कैंपेन। इसका मतलब है अगर मैं इसको क्लिक करूँगी ना अभी, इसको एक धर्म का नुकसान हो जाएगा, तो वो मुझे करना नहीं है गाइस, क्योंकि क्यों मैं किसी बेचारे की स्पॉन्सरशिप ख़राब करूँ, तो मैं वो नहीं करूँगी। तो ये देखिए, ये जो है ये स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। ये पहले क्यों है, ये बाद में क्यों है, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए। इसने बिडिंग ज़्यादा लगाया था, इसने कम लगाया था, इसीलिए इसकी पहले शो हो रही है, इसकी बाद में, इसकी और बाद में, इसकी और बाद में। इस तरीके से देखिए यहाँ तक नहीं और नहीं है। तो ये चार लोगों ने इस प्रोडक्ट पे PPC कैंपेन रन किया हुआ है गाइस, और ये लोग यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा बना भी रहे होंगे, है ना। ये देखिए AD10 शिपिंग बोल रहा है, मतलब ये FBM है, FBA नहीं है, ये तीनों FBA है, क्योंकि ये जो है ये देखिए टुमारो 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 और कोई शिपिंग चार्जेस नहीं है, मतलब ये FBA है, ये जो है ये FBM है गाइस। ये छोटी छोटी बातें जो मैं बताती हूँ आपको वीडियो में, ये सब ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो एंड तक देखेंगे तो ही जाके मैं बहुत सारी बातें कभी कभी कहीं भी बता देती हूँ, वो सब चीज़ें बाद में काम आती है गाइस, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, आप लोग अपना ख्याल रखें। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव था, और जो है मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ जाना चाहिए अब तक के कि PPC कैंपेन क्या होता है, पे पर क्लिक कैंपेन क्या होता है, और आप लोग इस पे जल्दी से जल्दी काम करें। अगर आपके प्रोडक्ट्स की में सेल नहीं आ रही है तो PPC लगाएं, एक प्रोडक्ट पे लगा के देखें कैसा होता है, इंशाल्लाह सेल ज़रूर आएगी। आप लोगों के लिए दुआ करूँगी, आप लोग मेरे लिए दुआ करें। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो गाइस तो लाइक ज़रूर करें, नहीं भी अच्छा लगा हुआ हो तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक तो करना ही पड़ेगा। खोला ना आपने, खोला ना तो अभी लाइक करो, चलो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।